हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो का तीसरा सीरीज है, मतलब 3 नंबर वीडियो है। पिछले क्लास में हम पढ़े थे सेट्स और रोस्टर फॉर्म, बहुत सब पढ़े थे। आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उस रिलेटेड कुछ जवाब भी देते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे वीडियो 1 एंड वीडियो 2 में सेट्स पढ़े थे। तो दिस द सेट्स ही हैज़ डेवलप्ड द सेट जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज कैंटोर हैज़ डेवलप्ड द सेट्स। जॉर्ज कैंटोर वॉज एन मैथमेटिशियन, ही इज डेवलप्ड दिस। दिस इज द जॉर्ज कैंटोर। हिज फुल नेम, इसके इन महाशय का फुल नेम इज जॉर्ज फर्नाल्डे लूजी फिलिपिन। सॉरी दोस्तों, इतना बड़ा नाम दे रखे हैं इनका नाम जॉर्ज फेंटन। तो जो भी है, इसका तस्वीरें देख लेते हैं। दिस इज द जॉर्ज फेंटन। तो जॉर्ज कैंटोर, तो इनका नाम सेट थ्योरी में आते हैं। बहुत बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। अच्छा, पिछले क्लास में हम पढ़े थे ऑपरेशन ऑफ सेट्स। चलिए पढ़ते थे यहाँ। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स, दिस वन, दैट्स द प्रॉपर्टी। वन प्रॉपर्टी इज द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ सेज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। मतलब कि ये प्लेस चेंज कर सकते हैं। कौन से चेंज कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, जैसे कि ए यहाँ पर थे और ए यहाँ पर चले गए हैं। अब यहाँ पर खाली बस इंटरसेक्शन के लिए नहीं, और ये यूनियन के लिए भी होते हैं। यूनियन के लिए कैसे? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ। दोनों के बीच कम्यूटेटिव हो रहे हैं। अच्छा, उसके आगे है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मीन्स दैट इसका मतलब होता है, एसोसिएटिव लॉ इसका मतलब होते हैं कि ये ब्रैकेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। ब्रैकेट हो या ना हो तो वहां पर मतलब नहीं है। जैसे कि यहां पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पर तीन एलिमेंट्स, सेट के एलिमेंट्स तीन है, ए बी एंड सी, तीन लेके दिखाए। लेकिन इसका वैल्यू जो है वो ब्रैकेट के ऊपर नहीं डिपेंड करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को किसी भी सिक्वेंस में ले सकते हैं। खाली बस तीन नहीं, अगर यहाँ पर चार भी हो तो वहाँ पर वो एक ही रिजल्ट होंगे, इंटरसेक्शन डी। चार की जगह यहां पर 100 भी हो तो भी वहां पर एक ही रिजल्ट यहां पर आएंगे। तो एसोसिएटिव लॉ आपने समझ लिए हैं। अपना कॉपी तैयार रखें, उस कॉपी में ये सब लिखते जाए, कॉम्पिटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। उसके आगे है यू एंड फाई। अच्छा, बताए व्हाट इज फाई? पिछले क्लास में पढ़े थे, जरूर याद होगा। फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी जिसमें कुछ नहीं है। ऐसी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, उस सेट को हम एम्प्टी सेट कहेंगे। अब यहाँ पर यू लिखे हैं, ये भाई साहब यूनियन नहीं है, यू कैपिटल यू लिखे हैं। तो ये कैपिटल यू है सर। ये कैपिटल यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, ये सेट जिसमें सब कुछ होते हैं। तो यहां पर फाई, फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। अब यहां पर यूनिवर्सल सेट, ये दोनों ही साइकोलॉजी बस इमेजिन किए हैं। एक्चुअली कोई ऐसी कोई सेट है नहीं जो फाई सेट। मैथमेटिक्स से कुछ गैप वगैरह फिलअप करने के लिए, यहां पर मैथमेटिक्स के लिए ये सेट्स एम्प्टी सेट एंड द यूनिवर्सल सेट को यहां पर एजम किए हैं। अच्छा, यहां पर ये जो सेट्स होते हैं, यहाँ पर लॉ ऑफ फाई, किसी भी सेट्स के अगर कुछ भी बात दिया जाए, इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो ही, यहाँ पर इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो एम्प्टी सेट्स ही होंगे, मतलब कुछ नहीं के साथ। अगर यूनिवर्सल सेट्स के साथ, सब कुछ के साथ अगर इंटरसेक्शन किया जाए तो वो ए सेट्स ही लौट आएंगे। अच्छा, इसके लॉज ऑफ यू एंड फाई, यू फॉर द यार, यू फॉर द यूनिवर्सल सेट। अच्छा, ये वाले जो सेट से ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी लॉ। अब यहाँ पे दो एलिमेंट के साथ यहाँ पर बताया गया है आइडेंटिटी। यहाँ पर और भी हजारों एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए भी एक ही रिजल्ट होंगे। कैसे? ऐसे
यहाँ पर जो आरडीएम पॉइंट यहाँ पर है, ये आरडीएम पॉइंट ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए, ये सभी ए के आगर हो जाएंगे अगर वो आइडियम पॉटेंट यहाँ पर हो। यहाँ पे दो के लिए लिखे हैं, दो के लिए होल्ड है, तो यहाँ पे सभी के लिए ये होल्ड है। ये सभी अपने कॉपी में जरूर लिखे स्टूडेंट्स। अच्छा, आप आते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, यहां पर अपनी कॉपी में लिखे डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब दोनों सेट्स के यहां पर यूनियन हो गए, इंटरसेक्शन हो गए। अब आते हैं डिफरेंस पर। डिफरेंस का मतलब ही होता है सबस्ट्रक्शन। अब क्योंकि ए यहां पर एक सेट है, बी यहां पर और एक सेट के, तो इसका इंटरसेक्शन जो यहां पर इंटरसेक्शन तो हमें पता है, यूनियन तो पता है, सबस्ट्रक्शन ये कौन सा करता है, मतलब कि ये वाला सेट से है, ये वाला सेट से ए, उसमें से क्या सबस्ट्रैक्ट करना है, बी सबस्ट्रैक्ट करना है। अगर बी का कोई कॉमन एलिमेंट्स हो जाए तो ये वाला सबस्ट्रैक्ट करना है, तो कौन सा वाला बचा रहेगा, ये बचा रहेगा। अच्छा, ये नाम देना भूल गए, बी। ये वाला जो पोर्शंस है, इस पोर्शंस को हम कहेंगे ए माइनस बी। अगर तस्वीरों में बताया जाए तो बहुत बढ़िया होगा। ये रहा, अगर यहां पर ए देखिए जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहेंगे ए माइनस बी। ए रहा सेट और ये रहा दूसरा सेट, दूसरा सेट ए माइनस बी, वहां पर सेटेड रीजन में बताए गए हैं, एक हिस्सा काट लेते हैं जिसे सबस्ट्रक्शन बताए गए हैं। तो पिछले क्लास में बताए गए थे डायग्राम, उस डायग्राम का नाम क्या है, उस डायग्राम का नाम है वेन डायग्राम। चलिए अच्छा, आप कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन दिए गए, क्योंकि आज बताया है कि आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपना पेन और कॉपी यहाँ पर रेडी रखें ताकि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सके। अच्छा, पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, कौन सा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर यूनियन करने के लिए कह गए हैं, यहाँ पर कौन कौन सी एलिमेंट्स है, यहाँ पर कौन कौन सी एलिमेंट्स है, यहाँ पर एक्स है एंड वाई है, तो यहाँ पर एक्स एंड वाई का यहाँ पर इंटरसेक्शन लेने होंगे। तो ये गलत हो, अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यूनियन निकलने के लिए कहे गए हैं, आप तो जरूर यहाँ पर जरूर यूनियन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेट दिए गए हैं एक्स, एक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 3 एंड 5। अच्छा, वाई में कौन कौन सी है, 1, 2 है, तो यहाँ पर 1 है, 2 एंड 3 है, तो पहले x लिखते हैं और यहां पर y लिखते हैं। कौन कौन से कॉमन है, कॉमन यहां पर 1 है, कॉमन यहां पर 3 है, अब यहां पर 5 यहां पर है और 1, 2, 2 यहां पर है। तो यहां पर जो यूनियन बताया गया है, तो यूनियन में यहां कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1, 2, 3 एंड 5। तो x यूनियन y इज इक्वल टू 1, 2, 3, अब यहाँ पे 4 नहीं दिए गए एंड 5। दिस इज द यूनियन, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। उम्मीद है ये वाला भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर ये पैकेट गलती, यहाँ पर एनसीईआरटी की किताब है, तो यहाँ पे सेकंड पैकेट होंगे जरूर। यहाँ पर ये कुछ इजी क्वेश्चन है तो सॉल्व करने के लिए छोड़ रहे हैं, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला क्वेश्चन, ए सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, दिस वन 3, ए इज द सेट दैट एक्स इज नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3।
अब एक चीज है नेचुरल नंबर। अच्छा क्या आपको नेचुरल नंबर याद है? बचपन से नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 याद कर लो, देख लो। तो कौन कौन से एलिमेंट्स ये होंगे? इसमें एलिमेंट्स होंगे मल्टीपल ऑफ 3 बताए गए हैं। मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा होता है? 3n, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। अगर ये एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट्स हो जाएंगे 3, उसके बाद एलिमेंट्स हो जाएंगे 6, क्योंकि यहाँ पर सारे मल्टीपल बताए गए हैं। उसके बाद 9, उसके बाद 12, ये चलता रहेगा। इन्हें तो एलिमेंट बताया जाए वो 3n होंगे, n इज नेचुरल नंबर। तो फाइंड द सेट दिस, तो दिस द सेट। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? फाइंड द यूनियन ऑफ द पेयर्स योर पेयर। अच्छा यूनियन बताए गए बी। अच्छा बी सेट भी लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर लेस देन 6 बताए गए हैं, लेस देन इक्वल टू नहीं बोले हैं, 5। तो दिस द सेट। अब इसके जो एलिमेंट्स होंगे दो ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू द एलिमेंट्स विच आर कॉमन, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 6 नहीं बताए गए हैं तो 6। यहाँ पर एक ही एलिमेंट्स आएंगे, उस एलिमेंट्स को हम कहेंगे, अगर किसी एक सेट में अगर वन सिंगल एलिमेंट्स आ जाए तो उस सिंगल एलिमेंट्स को सेट को कहते हैं सिंगलटन सेट, सिंगल टोन सेट। लिख लेते हैं अपनी कॉपी में, अगर एक एलिमेंट्स है तो उस एक एलिमेंट्स को कहते हैं सिंगल टोन सेट। तो इसका जवाब है 3, ए सेट फॉर्म 3। पहले के कुछ सवाल जो थे वो सवाल थोड़ी बहुत इजी हैं, तो जरूर, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है तो जरूर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 का कुछ सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। ए दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बी दिए गए हैं, सी दिए गए हैं, डी दिए गए हैं। अब हमें करना क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी निकालने होंगे। क्या आपको कर सकते हो? ए इंटरसेक्शन बी कितने होंगे, कौन कौन से है कॉमन यहाँ पर? इस तरह से क्वेश्चन अगर है, अगर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो अच्छा होगा कि हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। डायग्राम ड्रॉ के डायग्राम को कहते हैं वेन डायग्राम। चलो ड्रॉ कर लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट है? 3, 5, 7। अच्छा बी में कौन कौन से है? यहाँ पर 7, 7 और 9 and 9, 11 and 11, तो 3, 9, तो 3, 9 and 11। ये रहा ए, ये रहा बी। जब इस तरह का क्वेश्चन जवाब दे तो आपने हाथ में ये पेंसिल जरूर रखे, तो पेंसिल के मार्क कर देते हैं कौन सा दूसरे सेट में कॉमन है, तो उसके हिसाब से बाकी के एलिमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। 3, 5, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों एलिमेंट्स यहाँ पर ए में लिख दिए हैं। अब आप यहाँ पर बाकी कौन कौन से बचे हैं? 3, 9, 11, यहाँ पर 13 बचे हैं। तो अब जब वेन डायग्राम ड्रॉ करके जब करेंगे तो हमारा आंसर देना बहुत ही इजी रहेगा। तो यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर इंटरसेक्शन में है? इंटरसेक्शन में है 3, हाँ हाँ यहाँ पर 3 तो नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो यहाँ पर है 9, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 7 होते हैं, यहाँ पर होंगे 7, उसके बाद है 9, उसके बाद है 11। तो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर ये रिजल्ट आएंगे। जब हम वेन डायग्राम लेकर ड्रॉ करके करेंगे तो आंसर बहुत ही विजिबल होंगे और बहुत ही आसान रहेंगे। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी और यहाँ से जो क्वेश्चंस वगैरह हैं जरूर अपने आप कॉपी में सॉल्व करें। अच्छा
अच्छा क्वेश्चन 9 सॉल्व कर लेते हैं। ये चैप्टर सेट का जो है किस बोल भी ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, तो जब इस तरह का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बेन डायग्राम लेके डॉल्व सॉल्व करेंगे, बस आपको ये याद रखना है कि थोड़ा प्रैक्टिस किए ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ए में है ये सब, बी में है वो सब, सी में है ये सब। अब चलो क्वेश्चन ए वन ए माइनस भी दिखा देते हैं, इसके लिए हमें बेन डायग्राम ड्रॉ करने होंगे, ये जो है ए माइनस बी निकालने के लिए एक बड़ा सा ड्रॉ करते हैं ए। अच्छा कॉमन कौन 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 से हैं, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 बी में नहीं है, 12 हाँ 12 है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, खाली बस 12 छोड़ के 3, 6, 9, 12 तो लिख दिया है, 15, 18 एंड 21। यहाँ पर जो बचे हैं 4, 8, 12 तो लिख दिया है, 16 एंड 20। अब जैसे कि बताया है ए वाला ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, इसके जो सब्स्ट्रक्शन होंगे ए माइनस बी वो वाला क्वेश्चन यहाँ पर रहा, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू कौन कौन से एलिमेंट जब बताए 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21, दिस द ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं ए माइनस सी, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं जो सॉल्व करने हो। चलिए ये क्वेश्चन ये जो चैप्टर था एक्सरसाइज थे ये जरूर बस प्रिलिमिनरी वार्म अप क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस आप अगर थोड़ा भी घर में पढ़े तो जरूर ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए अब कॉम्प्लीमेंट ऑपोजिट्स, कॉम्प्लीमेंट का टर्म वो नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं ये कि उसमें नहीं है तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ये एक सेट यहाँ पर ड्रॉ करें ए सेट, अब यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट होंगे तो अगर कॉम्प्लीमेंट ए डैश, अब ए डैश जब बताए हैं तो ए डैश मतलब कि यहाँ पर नहीं है, अगर कोई एलिमेंट एक्स में है एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। अब कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं, इसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट के कॉन्सेप्ट चाहिए, अगर इसका यूनिवर्सल सेट कौन सा है सर यहाँ पर ए वाला है कॉम्प्लीमेंट, अगर एक्स यहाँ पर है तो यहाँ पर जो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू दिस तो एक्स बिलोंग्स टू ए तो एक्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक्स को छोड़कर यहाँ पर एक पूरा है यूनिवर्सल सेट, तो ये वाला हुआ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से हैं, यू द यूनिवर्सल सेट माइनस द सेट ए, यूनिवर्सल सेट से अगर ए सब्सट्रैक्ट करेंगे बाकी जगह पर जहाँ पर होंगे बाकी जहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। चलिए कोई एक यूनिवर्सल सेट यहाँ पर दिए गए हैं ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट दिए गए हैं, यूनिवर्सल सेट कौन सा है, यूनिवर्सल सेट है ये वाला बड़ा वाला सब कुछ। अब ए सेट्स यहाँ पर दिए गए हैं पॉइंट ए कॉम्प्लीमेंट, अब ए कॉम्प्लीमेंट को हमें यहाँ पर निकालने होंगे, अब ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे निकाल सकते हैं सब्स्ट्रैक्ट करके, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है ए यू यहाँ पर दिए गए हैं, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट्स, ए यहाँ पर दिए गए हैं ए का मतलब होता है जो दिए गए हैं, तब ए कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस ए, जो ए में नहीं है माइनस ए। अब यहाँ पर ड्रॉ करते हैं यूनिवर्सल सेट, अगर इस चीज को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट, इस चीज को
इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेल बॉक्स की तरह रख रहे हैं आप बीच में। यहाँ पर ये में कौन कौन सी है, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7 एंड 9, 79 हो गए, 7 एंड 9। अच्छा 1 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 2 यहाँ पर, 3 लिख दिए, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 5 लिखे हैं, 6 यहाँ पर नहीं है, 6 यहाँ, 7 यहाँ पर 7 है, 8 यहाँ पर है, अच्छा 9 यहाँ पर है, 10। अब ए माइनस है जो कॉम्प्लीमेंट होंगे, विच इज इक्वल टू जो ए के बाहर है, ए वाला सेट हियर, जो ए में नहीं है उसके बाहर है वो भी होंगे ए कॉम्प्लीमेंट, इसका होंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। चलिए ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन लिखे हैं। कॉम्प्लीमेंट मीन्स अगर हम यहाँ पर जो डेफिनेशन दे रहे हैं, अगर डेफिनेशन आप यहाँ लिखें, ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स एज दैट एक्स इज बिलोंग्स टू यू, यू स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सेट एंड एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स जो होंगे वो नहीं होंगे वहाँ पर, ए में नहीं होंगे, ए के बाहर होंगे, इसे हम कहेंगे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। उसे डैश टू देकर डिनोट कर सकते हैं, किसी किसी किताब में यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट लिखे हैं ओके ए बाहर से भी डिनोट किया जा सकता है, यहाँ पर डिनोट के डिनोशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट ए बाहर से डिनोट किए हैं तो आपको ए बाहर ही लिखने होंगे, डैश से डिनोट किए हैं तो हर जगह आपको डैश में ही आंसर लिखने होंगे। उम्मीद है कॉम्प्लीमेंट क्या है आप सभी को समझ में आए हैं। अच्छा अब आते हैं ये वाला लॉ के, अच्छा क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। इसको कहते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब डैश लिखे हैं तो डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट, आप यहाँ पर जो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी एक खास एक लॉ की तरह है होते हैं, जहाँ पर यहाँ पर ये वाला लॉ होते हैं, ये जा इस लॉ को कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ अपने कॉपी में लिख लेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ ये एक मैथमेटिशियंस थे, साइंटिस्ट थे, जिसके नाम के ऊपर ये डी मॉर्गन्स लॉ रखे हैं। डी मॉर्गन यहाँ पर अगस्तास डी मॉर्गन, तो ये एक विदेशी नाम है, तो अगस्तास डी मॉर्गन उनके तस्वीरें हम यहाँ पर देख सकते हैं। 1806 में 17 जून को डी मॉर्गन्स ने बॉर्न हुए थे, जन्म ग्रहण किए थे। चलिए उनके नाम के ऊपर ये आइडेंटिटी बताए गए हैं, इस आइडेंटिटी को हम कहेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा है आइडेंटिटी, ये वो आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी इज द डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा ए कॉम्प्लीमेंट निकल सकते हैं, यू इज इक्वल टू दिस, यूनिवर्सल सेट बताए गए हैं। अच्छा ए लेते हैं 2, 3, 2 यहाँ पर जो 3 है बीच में है, 3, B, 4 एंड 5। अब यहाँ पर 4 एंड 5 है तो 4, 45 नहीं तो, और उसके आगे हैं 1, 1 ले लिए हैं, 2, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6। अब यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 1, 6। अब ये कॉम्प्लीमेंट 4 में आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 4 एंड 5। अच्छा जल्दी से बच्चों नोट करें, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, जो बी के बाहर हैं, आउटसाइड बी,
वन सिक्स वन टू वन टू थ्री नहीं ले सकते, सिक्स ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन कौन सा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन होंगे जो इसमें कॉमन है, यहां पर दिख रहे हैं कि वन और सिक्स कॉमन है, वन एंड सिक्स कॉमन है। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी भी निकाल लेते हैं, यहां पर ए यूनियन बी क्यों, यहां पर ए यूनियन बी निकालने होंगे, उसके जाकर उसके भी कॉम्प्लीमेंट लेने होंगे। अब ए यूनियन बी कितने होंगे, वो सभी टू थ्री फोर एंड फाइव, टू थ्री फोर फाइव। अच्छा ए यूनियन बी, उसके ए यूनियन बी इसके कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, टू थ्री इसके बाहर है वन एंड सिक्स। आप देख सकते हैं बच्चों यहां पर वन एंड सिक्स, वन एंड सिक्स मतलब कि ये जो है ये इक्वल होंगे। और डी मॉर्गन कहां पर है महाशय, यहां पर यह ये रहा डी मॉर्गन, अगस्टस डी मॉर्गन, इस वीडियो को अंग्रेज। तो दोस्तों आज छोटा सा वीडियो था, इस छोटे छोटे वीडियो हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते रहेंगे। आप लोग सभी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का भी प्रमोशन हो गया, वहाँ पर डाउनलोड सभी नोट्स स्टडी मटेरियल दिए गए हैं, आप डाउनलोड जरूर कर सकते हैं। और खास में अगर आप यूट्यूब चैनल पर ये देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।